जी हाँ, करोड़ों छात्रों के भविष्य का है सवाल। हर कहीं से छात्रों को हैरान परेशान करने वाली खबर हमारे सामने से, लाखों छात्रों का करियर अधर में है। नए साल के जश्न से ठीक 11 दिन पहले केरल सहित देश भर में कोविड 19 के नए वेरिएंट यानी JN1 का संक्रमण तेजी से फैलने के संकेत मिले। दिल्ली में मंगलवार को कोरोना के 3 नए केस सामने आए जिसने देश की राजधानी के लोगों की चिंता बढ़ा दी। दिल्ली में 19 दिसंबर 2023 को कोरोना के 3 मरीज सामने आए। एक मरीज पहले से ही उपचाराधीन थे, यानी दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में 4 कोरोना मरीजों का उपचार जारी। बता दें कि दिल्ली में अभी तक कुल 20,14,448 मामले कोरोना वायरस संक्रमण के दर्ज हो चुके हैं। दिल्ली पिछले 24 घंटों के दौरान 3 नए मामले सामने आने के बाद डॉक्टरों ने लोगों को कोरोना को लेकर अलर्ट रहने को कहा है। चिकित्सकों ने एक बार फिर लोगों को मास्क पहनने, भीड़ भाड़ से बचने और स्वस्थ आहार लेने की सलाह दी। दिल्ली के कुछ अस्पतालों के डॉक्टरों ने देश भर में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट JN1 के पहले मामले का पता चलने का भी हवाला दिया। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई। भारत में आज सुबह 8 बजे तक कोरोना के 341 नए मामले आ चुके हैं। पिछले 24 घंटों में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 224 थी। केरल में कोरोना का एक नया वेरिएंट JN1 सामने आया, तब से कोरोना के तेजी से बढ़ने के संकेत मिले हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कई लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना के नए वेरिएंट को खतरनाक बताया जा रहा है। केरल में 79 वर्षीय महिला की मौत नए वेरिएंट से होने की सूचना है। यही वजह है कि देश में कोरोना का खतरा फिर से मंडराने लगा है। इसके अलावा देश में कोविड 19 मामलों की संख्या 4.50 करोड़ हो चुकी। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश भर में बीमारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,44,70,336 हो गई है और राष्ट्रीय रिकवरी दर 98.81% है, जबकि मृत्यु दर 1.19% है। बता दें कि देश में अब तक 220.67 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी गई। कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के बारे में सामने आया है कि इसका सबसे पहला केस अगस्त में लग्जमबर्ग में पाया गया। इसके बाद यह धीरे धीरे 36 से 40 देशों में फैल गया। WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कहा। कोविड के चलते बीते 2 हफ्तों में देश के अंदर 16 मौतें हुई। इन लोगों को पहले से कई गंभीर बीमारी थी, यानी ये लोग कोमोरबिडिटीज से पीड़ित थे। तो दोस्तों, आपको ये खबर कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।